आज का तारीख है 8 मार्च 2014। यह स्थान मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ये कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हमारे सामने मलेशिया एयरलाइंस का प्लेन खड़ी है। नाम है MH370। समय है रात 12:41। इस प्लेन में कुल 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स बैठे हुए हैं। यह विमान बोइंग 777 कैटेगरी का जेट विमान है। इस विमान को कुआलालंपुर से बीजिंग जाना है। समय हो गया है, प्लेन टेक ऑफ करता है। यह प्लेन अब 10,700 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर है। जब इतनी ऊंचाई पर जहाज आ जाता है तो जहाज में एक डिवाइस होता है जो अपनी ऊंचाई और गति के बारे में डाटा भेजता है। इस डिवाइस को एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि ACASR कहा जाता है। अब इस डिवाइस से 1:01 पर जमीन पर मौजूद ATC एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोल को डाटा भेजता है कि अब हम 10,700 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर 1:07 पर आखिरी बार डाटा भेजता है और यह डिवाइस स्विच ऑफ हो जाता है। 1:19 पर पायलट कुआलालंपुर ATC के साथ वॉइस कम्युनिकेशन करता है। जहाज में ट्रांसपोंडर नाम का एक और डिवाइस होता है जो जहाज की गति, दिशा और ऊंचाई के बारे में जानकारी रडार को देता है। रात 1:21 पर ट्रांसपोंडर ATC को बताता है कि अब वह साउथ चाइना सी के ऊपर है और वियतनाम की एयर स्पेस में इंटर करने वाला है। मलेशियन मिलिट्री तुरंत हरकत में आ जाता है क्योंकि जहाज अपने तय रूट से दूसरी तरफ जा रहा था। तुरंत मलेशियन मिलिट्री राडार जहाज की ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। अब जहाज अपने मार्ग से भटककर मलय प्रायद्वीप से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाने लगा था। फिर वहां से होता हुआ स्ट्रीट ऑफ मलक्का के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाने लगा। 2:22 पर मलेशियन मिलिट्री राडार से संपर्क टूट जाता है। अब जहाज अंडमान सी के ऊपर था। इन मार्स सेट उपग्रह जो जियो स्टेशनरी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इस उपग्रह ने भी MH370 का घंटे घंटे का सिग्नल प्राप्त किया, लेकिन उससे भी सुबह 8:11 पर संपर्क टूट गया। अब संपर्क के सारे रास्ते बंद हो गए। मलेशियाई सरकार ने सर्च ऑपरेशन चलाया। खोज सबसे पहले साउथ चाइना सी, फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, फिर उसके बाद से अंडमान सी में हुआ। उसके बाद जहाँ जहाँ जहाज की लोकेशन की संभावना थी वहाँ वहाँ खोजबीन हुई, लेकिन जहाज का कुछ भी पता नहीं चला। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। कई देश भी इस तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद की है। इसके बाद भी आज तक MH370 विमान को ढूंढा नहीं जा सका है। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2014 में विमान की तलाशी अभियान भी आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। 24 मार्च 2014 को मलेशिया के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, जहाज से मिले अंतिम संकेत इनमारसैट और UK एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AAIB के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाज MH370 ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट में 2500 किलोमीटर के दूरवर्ती भाग इंडियन ओशन में जहाज क्रैश हो गया है और जहाज में सवार सभी यात्री शायद ही जिंदा बचे हों। और फिर चैप्टर क्लोज। समय बीतता गया। 6 अप्रैल 2014 को ऑस्ट्रेलियन शिप को पर्थ के नॉर्थ वेस्ट की तरफ 2000 किलोमीटर की दूरी पर बोइंग 777 का फ्लाइट रिकॉर्डर, यानी कि ब्लैक बॉक्स मिला, जो अनुमान लगाया गया कि संभवतः उसी जहाज का हो। 29 जुलाई 2015 को ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज को री यूनियन फ्रेंच आइलैंड के समुद्र तट पर जहाज का राइट विंग फ्लैपरॉन मिला। यह री यूनियन फ्रेंच आइलैंड इंडियन ओशन के वेस्ट में 3700 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बारे में भी यही अनुमान लगाया गया कि संभवतः यह उसी जहाज का है। इसी तरह अगले 1.5 वर्षों में 26 और जहाज के टुकड़े मिले। यह टुकड़े तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मॉरिशस के समुद्र तट पर मिले। इन टुकड़ों में से 27 टुकड़ों की पहचान इसी जहाज के टुकड़े के रूप में हो गई है, जबकि 17 टुकड़ों की पहचान में संदेह है। तंजानिया में जहाज का राइट विंग फ्लैपरॉन मिला है। इससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जहाज का राइट विंग फ्लैपरॉन हवा में टूट गया हो और तंजानिया में जाकर गिर गया हो। हो सकता है तंजानिया में क्रैश न होकर किसी दूसरी जगह पर क्रैश हुआ हो।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टॉनी अबॉट ने दावा किया कि पायलट जहारी अमर शाह ने ही जानबूझकर जहाज को समुद्र में डुबोया है। पायलट आत्मघाती था जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जहाज को पायलट ने जानबूझकर समुद्र में डुबोया है। एक्सपर्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी में हुई गड़बड़ी का पता लगाकर कहते हैं कि उन्होंने जहाज के अंतिम रास्ते को ट्रैक कर लिया है। विमान के रास्ते में हरतंगेज पैटर्न पाए गए। ऐसा तब होता है जब पायलट जानबूझकर एयरक्राफ्ट के इंजन को बंद कर देता है। विमान का रास्ता सीधा था। हो सकता है पायलट ने जानबूझकर ऑटो पायलट मोड पर रखा हो और जहाज सीधे समुद्र में गिर गया हो। हो सकता है कि जहाज आपराधिक साजिश का शिकार हुआ हो, क्योंकि कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के घंटे भर के अंदर ही विमान का ATC से संपर्क टूट जाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि संपर्क खुद नहीं टूटा था बल्कि जानबूझकर तोड़ा गया था। विमान के गायब होने से जुड़ी बहुत सारी पहेलियां हैं, हम कुछ पहेली आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहेली नंबर 1, एविएशन में एक उड़ता जहाज दूसरे जहाज की आड़ में छिप जाता है। मलेशिया का विमान उस रोज कुछ इसी तरह से राडार से छिपकर किसी सीक्रेट स्थान पर चला गया होगा। टेक्नोलॉजी में इसे सिंगल ब्लिप कहा जाता है। इस काम के लिए तजुर्बेकार पायलट होने चाहिए। पहली नंबर 2, फ्लाइट संख्या MH370 ने रात 12:41 पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। ठीक 49 मिनट बाद विमान का ट्रांसपोंडर ऑफ हो जाता है। ATC उसी ट्रांसपोंडर के जरिए विमान और उसके रूट को कंट्रोल करता है जमीन से। यह काम जमीन पर ATC के द्वारा किया जाता है। जिस किसी ने भी ट्रांसपोंडर को बंद किया वो जानता था कि ट्रांसपोंडर बंद होते ही विमान राडार की नज़रों से गायब हो जाएगा और इस तरह बचकर किसी गुप्त स्थान पर जहाज को लैंड करा दिया होगा। टेक्नोलॉजी में इसे पायरेसी कहते हैं। अब एक और खुलासा सामने आया है। रूसी एक्सपर्ट का कहना है कि जब जहाज कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था तो विमान अपना रास्ता बदल लिया। जैसे ही विमान ने अपना रास्ता बदला, प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना के राडार ने उसे पकड़ लिया और सही रूट पर जाने की चेतावनी दी। चेतावनी के बावजूद जब विमान अपने तय रास्ते पर नहीं लौटा तो अमेरिकी नौसेना के विमानों ने उस जहाज को अपने कब्जा में ले लिया हो। हर तरफ से शक की सुई MH370 के पायलट जहारी अमर शाह पर ही आकर रुकती है और एक शक मलेशियाई नागरिक पर भी जाता है। इसका नाम है मोहम्मद खैरुल आमरी सलामत। 29 वर्षीय ये नौजवान एविएशन इंजीनियर है और चीन के विमान कंपनी में काम करता है। यह भी उसी विमान में मुसाफिर था। हो सकता है कि विमान को राडार की नज़रों से बचाने का हुनर जानता हो। 2017 में मेडागास्कर के समुद्र तट पर तूफान के चलते लैंडिंग गियर का दरवाज़ा उड़ते हुए या बहते हुए आ गया था। इसको टटाली नाम का एक मछुआरा अपने घर ले आया और 5 वर्षों तक इसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया। वह इसके उपयोग के बारे में अनभिज्ञ था। विमान का लैंडिंग गियर का दरवाज़ा तभी तोड़ा जाता है जब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विमान को नीचे उतारना होता है, जो पायलट की जानबूझकर करने की इरादा को दर्शाता है। 53 वर्षीय पायलट जहारी अहमद शाह अनवर इब्राहिम के पार्टी का समर्थक था। अनवर इब्राहिम को सुडोमी मामले में 7 मार्च को 5 साल के लिए सजा सुनाई गई थी। उस दिन ये पायलट भी उसी कोर्ट में मौजूद था। वह अदालत के इस फैसले से बेहद दुखी था। माना जाता है कि अपने नेता की सजा से दुखी होकर जहारी ने ही बदले की भावना से विमान से राडार का संपर्क खत्म किया और खुदकशी कर ली, या फिर जहाज को किसी गुप्त स्थान पर छिपा कर रख दिया होगा। अपहरण की कोई संभावना नहीं, क्योंकि किडनैपर की तरफ से कोई भी डिमांड अभी तक नहीं आया है। जब तक जहाज मिल नहीं जाता है तब तक रहस्य बना रहेगा। तो अब अगले वीडियो मिलते हैं। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।